जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उस पर ईमान लाओ, तो वे कहते हैं हम तो केवल उस चीज पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ अर्थात इसराइल के वंशज में उतरी है। इस परिधि से बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से वे इनकार करते हैं, जबकि वो सत्य है और उस शिक्षा की पुष्टि और समर्थन कर रहा है जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा, इनसे कहो यदि तुम उस शिक्षा ही के मानने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी, तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों की जो खुद इसराइल के वंशज में पैदा हुए थे क्यों हत्या करते रहे? तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी स्पष्ट निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसके पीछ मुड़ते ही बछड़े को पूज्य बना बैठे। फिर तनिक उस वचन को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो आदेश हम दे रहे हैं उनका मजबूती के साथ पालन करो और कान लगाकर सुनो। तुम्हारे पूर्वजों ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और उनकी असत्य प्रियता का हाल ये था कि दिलों में उनके बछड़ा ही बसा हुआ था। कहो यदि तुम ईमान वाले हो तो ये अनोखा ईमान है जो ऐसी बुरी बातों के लिए तुम्हें हुक्म देता है।